नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं एबिन 24 न्यूज़। दोस्तों, आप तस्वीर देख पा रहे हैं, एक बुजुर्ग व्यक्ति की, नाम जो है छोटे बाबा बताया जा रहा है, और यहां पर फिलहाल उनकी तस्वीर पकड़ी हुई है उनके बेटे ने, आप देख सकते हैं, और एबिन 24 के ऑफिस पहुंचे हैं इस उम्मीद से कि उनके पिता जो है उनकी जानकारी लग जाए, क्योंकि ये दो दिन पहले जो है ना जाने कहां लापता हो गए, जिसके बाद से ढूंढ ढूंढ कर परिवार परेशान हो गया, हर जगह पर जो है तलाश लिया, लेकिन जब कोई भी उम्मीद जो है उनसे टूटती नजर आई तो फिर एबिन 24 के ऑफिस पहुंचे। और आप सभी जितने लोग हैं, सभी दर्शकों को ये कहना चाहेंगे, इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें, क्योंकि इनके पिता जो है वो मिल नहीं रहे हैं, तो इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका और कहाँ रहते हैं? मेरा नाम अजमत अली है, मेरा नाम उत्तर प्रदेश यूपी से हूँ, ठीक है, और जिला बलरामपुर, पोस्ट मथुरा बाजार, कला अकबरपुर, ललिया थाना। पिता का नाम क्या है? पिता का नाम छोटे बाबा है। छोटे बाबा जी यहाँ आए थे कल, अरे मजार पे, यहाँ मजार पे आए, तो वहाँ करनाल में मजार पे आए थे, नहीं अपना पानीपत में, और वहाँ पे आए तो मजार पे गए, मजार से बाहर आए नहीं, अंदर जब से हिले तब से बाहर आए नहीं पाए। अच्छा, वहीं से गायब हो गए। अच्छा, मजार से ही गायब हो गए? मजार से ही गायब हो गए। अच्छा जी, तो ये उनके पास मतलब कोई सामान भी था, कोई कपड़े वगैरह? सर कोई सामान नहीं था, वो अंदर गए थे, मम्मी मेरी बाहर बस के पास बैठी थी। आप सब पूरा परिवार गया था एक साथ? हाँ, परिवार पूरा गया था, लेकिन मेरे गांव का भी लोग थे, वो आगे पीछे होने में पब्लिक ज्यादा हो गई थी, तो उसी में आगे पीछे में वो गायब हो गए। अच्छा, उसी में गायब हो गए जी, तब से अभी तक मिले नहीं, खोज में पुलिस चौकी में मैं गया, तो रिश्तेदारियों में पता किया कहीं पर? रिश्तेदारियों में सब जगह सर फोन घुमा दिया, कोई रिस्पांस हमको नहीं आया। अच्छा, कहीं से भी कोई वो नहीं आया? उम्र कितनी? 65 वर्ष उम्र है? 65 साल उम्र है सर। 65 वर्ष उम्र है, तो क्या लगता है कोई ऐसी जगह तो नहीं है जहाँ ये जाना चाहते थे? नहीं, वो यात्री थे, उनको अजमेर जाना था, तो सब जगह यात्री बस भर के आई थी, 60-65 लोग थे, अजमेर जाना था, दिल्ली जाना था, तो उसी में वो यहाँ पे खो गए। अच्छा, खो गए? हाँ, पानीपत्र में। पानीपत में, तो आपने पुलिस में इनकी रिपोर्ट करवाई है? पुलिस में, हाँ, एक अपना लाल चौकी, तो लाल चौकी थाना है वहाँ पे मजार के पास में, वहाँ पे इनका फोटो दिया गया, मोबाइल नंबर दिया गया, कि आएंगे तो कोई सूचना मिलेंगे तो देना आप, लेकिन अभी तक कोई सूचना नहीं आई। पहले भी कभी ऐसे कभी गए हैं? नहीं, दो यहाँ, लेकिन तीसरा चक्कर सर यहाँ हो गया उनका। नहीं, ऐसे कभी गायब? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ है अब तक। अच्छा, ऐसा कभी नहीं जी। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, पिता को ढूंढने में मदद करें? सब लोग से हाथ जोड़ के यही कर रहा हूँ कि कोई अगर मिल जाए तो उनको हमारे हवाले कर दें, हमारा नंबर है उस पे आप फोन करके बता दें, वहाँ से मैं आके रिसीव कर लूँगा उनको। आप भाई हैं इनके? नहीं सर, मैं तो ऐसे ही जानकार हूँ, जिससे काम कर रहे थे ना। अच्छा अच्छा, तो इनका कोई जानकार है? ऑफिस के बारे में आप ही ने बताया था? हाँ, मैं ही ने बताया। अच्छा, आप ही ने बताया? हाँ जी 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 जी। तो ये जब घर से निकले थे तो समय क्या था, जिस समय मतलब नहीं, जब ये उस वहाँ से निकले समय क्या था वहाँ से मजार सर से? वहाँ से जब मजार पे सुबह 8 बजे अंदर गए हैं, उसके बाद पूरा पब्लिक जितनी थी 60-65 लोग को हेरे, और वो जब नहीं मिले तो वहाँ से पुलिस चौकी में इनका फोटो दिए और कंप्लेन किए, उसके बाद चले गए घर बस वाले सर, और कहें कि हम लोग जा रहे हैं भाई एक आदमी के पीछे, कहाँ तक जब मिलेंगे, तो वहाँ सबको नंबर दिए कि अगर मिलेंगे तो हमको फोन करके बता देना। ठीक है, तो ये इन्होंने क्या कपड़े डाले हुए थे जब ही वहाँ से? ये का नाम अपना तहमत पहने हुए हैं, और ऊपर से सदरी पहने हुए हैं, और एक जो वाइट कलर का गमछा लिए है, और चद्दर वाइट कलर का लिए हुए हैं। अच्छा, लिए हुए हैं जी। तो आपके पास कोई फ़ोन नंबर होगा, अगर कहीं पर भी मतलब कोई इनको देखता है तो आपसे संपर्क कर सकता है, फ़ोन नंबर बता दीजिए? हाँ, 980-3077 एक बार दोबारा बता देंगे ये नंबर? 980-3077 तो दोस्तों जो नंबर बताया गया है, इस नंबर पर आप संपर्क करके इनके पिता की जानकारी दे सकते हैं। नाम छोटे बाबा है, और साथ में 65 वर्ष उनकी उम्र है, पानीपत की ही एक जो मज़ार है वहाँ से जो है ये गायब जो है वो हो गया अचानक से। पूरा परिवार जो है यूपी से आया हुआ था वहाँ पर, और लगभग सुबह के 8 बजे के आसपास जब उन्होंने देखा तो उनके पिता उन्हें नज़र नहीं आए। हालांकि पुलिस में जो है कंप्लेंट कर दी गई है, लेकिन आप सभी से उम्मीद है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि इनके पिता के बारे में कोई जानकारी लग पाए। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।